स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वेयर इज ओके, वेयर इज. टॉपिक नेम इज वेयर इज एंड दिस टॉपिक इज इन योर सीनियर केजी टेक्स्ट बुक लिटरेसी स्किल टेक्स्ट बुक. सीनियर केजी की लिटरेसी स्किल टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक है आपका. सो एवरीवन टेक आउट योर लिटरेसी स्किल टेक्स्ट बुक एंड ओपन द पेज नंबर 6868. ओके, लेट्स वी स्टार्ट टू लर्न इट. वेयर इज नाउ फर्स्ट अराइज क्वेश्चन इन आवर माइंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेयर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेयर? ये वेयर का मीनिंग क्या है? मैम हमें तो पता ही नहीं है वेयर का मीनिंग क्या है. सो वेयर इंडिकेट सिचुएशन और पोजीशन. वेयर क्या इंडिकेट करता है? हमें सिचुएशन दिखाता है किसी की, हमें किसी की पोजीशंस दिखाता है कि कोई चीज़ है, कोई थिंग है तो वो थिंग कहाँ पे है. ओके, यानी कि प्लेस दिखाता है हमें, प्लेस इंडिकेट करता है कौन, ये वेयर. सो ये वेयर से हमें क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है. क्या पूछना है? क्वेश्चन पूछना है. अगर आपकी पेंसिल आपके कंपास बॉक्स में है तो आप ऐसे पूछते हो ना कि मेरी पेंसिल कहाँ पे गई, मेरी पेंसिल कहाँ पे गई, तो आपको आंसर देगी आपकी फ्रेंड, अरे तेरी पेंसिल तो कंपास बॉक्स के अंदर है. तो उसी सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, वेर इज़ माई पेंसिल, वेर इज़ माई पेंसिल, मेरी पेंसिल कहाँ पे है. सो इट्स आंसर इज माई पेंसिल इज इन माई कंपास बॉक्स. ओके, सो उस टाइम पे हमने क्या किया, वेर से क्वेश्चन किया. क्यों वेर से क्वेश्चन किया? क्योंकि हमें पूछना था कि हमारी पेंसिल कहाँ पे है, हमारी पेंसिल कहाँ पे है, पेंसिल की प्लेस दिखानी थी ना, प्लेस पूछनी थी, दैट्स वाई. ओके, सो ये कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, अगर किसी को हमें प्लेस के बारे में पूछना हो, वो थिंग कहाँ पे है ऐसा पूछना हो, तो तब हम उसका क्वेश्चन की स्टार्टिंग वेयर से करते हैं. उसके क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं, वेयर से करते हैं. ओके, एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ वेयर? WHEREE, वेयर, WHEREE, वेयर, वेयर इज. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट टू लर्न इट. वेयर इज द आउल, वेयर इज द आउल, वेयर इज द आउल? इट इज अंडर द बॉक्स, इट इज अंडर द बॉक्स, वो बॉक्स के नीचे की तरफ है. ओके, सो दैट्स वाई इट्स आंसर इज इट इज अंडर द बॉक्स. वेयर इज आउल? नाउ हियर इन दिस पोजिशन, वेयर इज आउल, कहाँ पे है आउल? तो इट इज इन द बॉक्स, इट इज इन द बॉक्स. नाउ वेयर इज द रूट? वेयर इज द रूट? रूट इज अंडर द सॉइल, इट इज अंडर द सॉइल, इट इज अंडर द सॉइल. ओके, एंड द सेकेंड इज वेयर इज द बस, वेयर इज द बस? द बस इज नियर द ट्री, द बस इज नियर द ट्री, इट मीन्स इट इज नियर द ट्री, इट इज नियर द ट्री. ये बस है वो ट्री की कहाँ पे है, पास में है, नज़दीक में है, दैट्स वाई वी यूज ईयर नियर. Where is the elephant? Where is the elephant? Where is the elephant? Elephant is in the zoo. It is in the zoo. It is in the zoo. वो zoo के अंदर है. Zoo किसको कहते हैं? जहाँ पे बहुत सारे animals होते हैं. Right? Now, open the page number 6969. And let's we start to feel answer. Let's we start to feel answer. Color the right word red. Color the right word red. Now look at here. यहाँ पे भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद हमें रिकोगनाइज करना है पिक्चर को. ओके, और पिक्चर कौन सी पोजिशन हमें दिखा रहा है, उस पोजीशन के नेम पर हमें रेड कलर करना है. राइट, नाउ लेट्स वी स्टार्ट टू डू इट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द आउल इज इन अंडर ऑन द बॉक्स. इन अंडर ऑन, ये तीन में से कौन से पोजीशन में आउल है? टेक आउट योर रेड कलर एंड देन स्टार्ट टू फील इट. बट टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. What is the correct answer?
द आउल इज अंडर द बॉक्स, बॉक्स की नीचे की तरफ है ना, दैट्स वाई अंडर आएगा. ओके सो एवरीवन फील हियर रेड कलर, फील प्रॉपरली एवरीवन. नाउ सेकेंड वन इज द आउल इज स्लीपिंग, द आउल इज स्लीपिंग. स्ल ई, डबल ई का साउंड आपको पता है ई, पिंग पी आई एन प, स्लीप इंग स्लीपिंग. ऑन और इन और अंडर द बॉक्स, कहाँ पे स्लीप कर रहा है वो, इन. ओके बॉक्स की अंदर की तरफ है. सो सर कलर ऑन इन. द नेक्स्ट वन इज द आउल इज, द आउल इज ऑन और इन और अंडर द बॉक्स. द आउल इज कहाँ पे है, बॉक्स के ऊपर की तरफ है, तो ऊपर होगा तो हम क्या कहेंगे, ऑन. सो एवरीवन कलर ऑन. नाउ द फोर्थ वन इज, द फोर्थ वन इज द आउल इज नियर अंडर ऑन, नियर और अंडर और ऑन द बॉक्स. कहाँ पे है, नियर बॉक्स की बाजू में है, यहाँ के पास में है. सो एवरीवन कलर ऑन नियर. ओके सो एवरीवन कंप्लीट दिस पेज प्रॉपरली एट योर होम एंड प्रॉपरली अंडरस्टैंड with the help of these pictures. Okay, thank you everyone.